जब सामने तीन भारतीय डोन क्वाड्रा क्वाड्रा खेल के साथ बाहर निकले थे स्मूथली अपने हेडशॉट दो प्लेयर को अपने हेडशॉट और यहां पर ओ भाई फिर रूफ अलाउ नहीं है ना नोस्टो भाई हां रूफ अलाउ नहीं है नो रूफ ही बोले ओके ओके एक बार फिर से इनसेन को बोल देता हूं कान गरम हो चुके भाई मेरे हेडफोन में लग रहा है उसी जैसे आग निकल रही है गर्मी का माहौल है जब भी ये दो टीमें भिड़ती है चाहे क्रिकेट में हो चाहे फ्री फायर में हो जी हर किसी के खड़े होने ही है ऐसे मैचों को लेके जब भारत बनाम पाकिस्तान की फाइट होती है तो दोनों तरफ से सपोर्ट बराबर का दिखता है फिलहाल अपनी कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका ज्यादा सपोर्ट दिख रहा है जी गाइस चैट में हम लोगों ने यहाँ पे पोल भी डाला है और देखते हैं यहाँ पे एक प्लेयर आगे जरूर गए इंसेन की बात की जाए तो ये प्लेयर काफी अच्छा खेलता है मतलब पाकिस्तान की स्क्वाड से बेस्ट प्लेयर अगर मैं बोलूंगा तो इंसेन ही है वो क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेम में ये एमवीपी हम लोग देखने को मिलता है बट यहाँ पे स्मूथ को देखते हैं डेजर्ट के साथ यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया है स्टार्टिंग में यहाँ पे इंसेन को फिनिश किया है और नोमी को भी यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया है शुरुआत क्या बोलना चाहोगे शुरुआत जो भी प्लेयर्स ने यहाँ पे की बिल्कुल शुरुआत धमाकेदार तरीके से करी और पहला राउंड अपनी एनजी स्पोर्ट्स लेकर जाएगी कर लिया नोटा ने दो किल यहाँ पे निकाले हैं ठीक है दो किल निकाल चुके हैं ब्लास्ट भाई को शॉट्स यहाँ पे पड़े जरूर है ओके ब्लास्ट भाई आगे बढ़ रहे हैं ओ अकेले बचे जो स्टार्टिंग थी ब्लास भाई ने शॉट्स तो अच्छे लिए थे वहाँ पे बट पीछे प्लेयर था उनका ध्यान नहीं कर पाए स्मूथ यहाँ पे अकेले प्लेयर बिल्कुल अरे यहाँ पे डिफरेंट पाकिस्तान की सीधा खत्म ही कर दिया सिर्फ 5% यहाँ पे बचा है स्मोक भी यहाँ पे किया गया बट क्या किसी प्लेयर के थ्रू यहाँ पे आई थिंक रश तो हुआ है जी गाइस रश हुआ है नोटा भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और स्मूथ ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं ब्लास भाई नोक हुए और यहाँ पे स्मूथ का एक शॉट बहुत ही जबरदस्त एक प्लेयर यहाँ पे अंदर आए जरूर है जजबी को देखते हैं रिवाइव किया जा रहा है उनको जजबी का भी ओनली रेड यहाँ पे चल रहा है ओके हिंदुस्तान बना पाकिस्तान के फाइट में दोनों तरफ से रोमांच भरा हुआ है एक लोग उधर एक लोग इधर पर गोल लेगा अकेले रह गए हमारी तरफ से नोटा जी नोटा कर सकते हैं काफी अच्छा इनके अंदर और ये करके भी दिखा फाइनली यहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे फ्री फायर में यहीं तक चल रहा होगा इतना धमाकेदार दो कंट्रियों के बीच में सीएस का बैटल यहाँ देखेंगे जरूर कौन इस मैच को जीत के जाएगा और पहले मैच में कौन अपनी छाप छोड़ेगा पर हेट किसी के लिए ना रखे ब्रो चाहे इंडियन टीम हो चाहे पाकिस्तानी टीम हो क्या बोलते हो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दोनों ही बेस्ट टीम है और काफी अच्छे यहाँ पे खेलती है बट देखते हैं अभी यहाँ पे गाइस मेन एडवांटेज यहाँ पे आ चुका है पाकिस्तान की स्क्वाड के पास नोमी को देखते हैं नोमी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो मूवमेंट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बट इंसेन ने एंट्री मारना चाहता इंसेन यहाँ पे नो कोच में नोटा को देखते हैं नोमी भी पीछे जा रहे हैं नोटा ने दोनों तरफ यहाँ पे ग्लूअर लगा लिया उनको पता है नोमी पीछे है 2v2 की फाइट पे आ चुकी है भाई सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे विलास भाई को खोया फिर उन्होंने यहाँ पे निजार को यहाँ पे खोया उसके बाद में यहाँ पे स्मूथ नॉक हुए और अब यहाँ पे इंसेन को नॉक कर दिया वापस से फाइट 2v2 मतलब धीरे धीरे बैलेंस यहाँ पे हो रही है एक प्लेयर वो खो रहे हैं एक हम फिर एक वो फिर एक हम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है तीन ही बंदे रह गए पर तीनों बंदे हार नहीं मानेंगे यार जेसबी को नॉक होने के बाद बंदे का कॉन्फिडेंस देखो क्या यहाँ पे गया 1v2 में कि नहीं मैं मारूंगा दोनों प्लेयर्स को ओ
और यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को नॉक किया। क्या आईक्यू भाई। देखो ये प्लेयर के पास इसलिए ऑलराउंडर बोला जाता है, अमूमन नॉर्मल प्लेयर या फिर बहुत मेरे भी मैं होता तो मेरे माइंड में ये रहता पहले इसको फिनिश कर देते, रिवाइव दे। इसने जंप करके ऊपर से गया उस दूसरे प्लेयर को नॉक किया है भाई, इसके आईक्यू को सैल्यूट भाई। बिल्कुल आप चलिए लीड में आएंगे हम फिर से। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप तो बोल रहे थे एक बंदे को नॉक होने के बाद यहां पे स्कोर हो चुका है, ये देखते हैं नोटा नोटा ब्लास्ट भाई रश तो कर रहा है बट क्या हमारे प्लेयर्स होंगे। ओके जी स्मूथ को रोक लिया जाएगा, स्मोक का फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है पाकिस्तान की टीम। ये चीज कहनी पड़ेगी क्योंकि स्मोक में मैंने 2-3 बार देखा है पाकिस्तानी टीम हेड ना हेड मार ही दे रही है, यानी प्रीसाइज या कह सकते हैं फुल कंट्रोल एम काफी अच्छा दिख रहा है इनका। पर फाइट 2v4 की हो गई है, एक और बंदा नॉक किया गया, एक और नॉक निकलेगा अकेले नोटा ये जंप करके यहां पे प्लेयर आए जरूर है। ओ 94 का यहां पे हेड यहां पे लगाए जरूर था आई थिंक। स्मोक में खुद हेड लगा रहे हो दूसरे को, दोनों टीम मेहनत करी उन्होंने इस एम के ऊपर यार, आसान नहीं होता स्मोक में से। अरे रे रे बट स्मोक से ओनली रेड फर्स्ट ही, यहां पर फोकस एम कितना तगड़ा है पे एक प्लेयर निकला है पाकिस्तान की तरफ से नॉक दिया। 3-4 की फाइट है, हिंदुस्तानी टीम फिर से कमबैक करना चाहेगी। मैच बिल्कुल दोनों साइड से बराबर चल रहा है, एक नॉक उधर एक नॉक उधर, एक राउंड उधर एक राउंड इधर, यानी ये मैच कुछ ना कुछ कहने वाला है एंड तक नो शो ब्रो। देखते गाइस रोमी को डेजर्टिकल किंग यहां पे माने जाते हैं बट क्या होगा। और यहां पे दो प्लेयर्स को नॉक यहां पे दोनों को फिनिश यहां पे कर दिया है। ओके डेजर्ट ईगल से क्या हेड यहां पे लगा पाएंगे। ओके दो प्लेयर यहां पे नॉक कर चुके हैं ओपन में, यहां पे गए जरूर है 22 एचपी यहां पे बची है बट गाइस यहां पे फिनिश कर दिया। शुरुआत अच्छी की थी, पहला ही नॉक निकाल लेते तो भाई बट नोटा ने भी यहां पे एक नॉक निकाला और आई थिंक ब्लास्ट को भी यहां पे रिवाइव मिल जाएगा। और इनसे M10 से ट्राई जरूर किया था भाई यहां पे। ओ चेस भी यहां पे नॉक हो गए जी यहाँ पे ओपन तो कोई भी जा रहा है उसको सजा दी जा रही है दोनों ही टीमों की तरफ से। यहाँ 3v2 की फाइट हो गई है, हिंदुस्तान की तरफ से तीन बंदे बचे हुए हैं और नोटा जो UFP चला रहे हैं, जो 8 किल करी है उन्होंने, इनका अग्रेशन बताता है, इनका गेम बताता है कि ये किस लेवल का खेल रहा है। तीनों प्लेयर्स यहाँ पे आ गए, तीनों प्लेयर्स ने हमला कर दिया ब्लाज भाई पे। चारों बंदे एक साथ है, कोई रोटेशन नहीं हुई है, सारे बंदे एक साथ खेलना चाह रहे हैं तो इनको पता है कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी सामने वाली टीम के अलग, बस कोई एक बंदा गलती करेगा उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे स्मोक में से हेड मारने की प्रयास है जरूर। नोटा भी यहाँ पे खेले इस बार मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, सारे प्लेयर थोड़े अलग अलग है। स्मूथ का भी क्या स्ट्रेटजी है थोड़े से अलग यहाँ पे जरूर थे। और जेस भी ने एक प्लेयर को नॉक किया, दो प्लेयर यहाँ पे नॉक है उठा रही है कि जैसे ही कोई बंदा खेले में दिख रहा है उसी चीज को नॉक निकाल रहा है। यहाँ पे सात रखे खेल रही है फाइट, 1v3 की स्मूथ काट सकते हैं 1v3, हमने देखा इनको 5 मैच अच्छे के लसूस निकालते हुए। थोड़ा सा स्पेस कम है, ग्लू वॉल्स भी कम है, दो ग्लू वॉल रहने वाले, अब लास्ट ग्लू वॉल इनके पास, 1v3 की फाइट, ट्राई पूरा डाल रहे हैं तीनों बंदे एक साथ आए और हेड सेट पर दूसरा जो फाइट गॉन, ये बंदे क्लच करने वाले हैं दोस्तों ब्रो। अरे अरे भाई अगर गुलवाल होती है तो पूरे पक्का खेला सकता है बिल्कुल। जून होल्ड गेम खेल रही है यहाँ पे पाकिस्तानी टीम, इनको पता है जून ले लिया, जून का कवर ले लिया तो सामने वाली टीम को जून में एंट्री लेनी है और उस चीज को रोकना चाहती है। पर यहाँ पे देखेंगे इंडिया की टीम कैसे एंट्री करेगी जून के अंदर, क्योंकि जून में इनको जाना है और जून आ भी रहा है पीछे से धीरे धीरे। 5-4-4 की स्मोक का यूज हो रहा है नॉट चप्रो, स्मोक का बहुत ज्यादा यूज कर रही है पाकिस्तानी टीम। चलिए देख लेते हैं फाइट अभी भी 4-4 की, काफी तगड़ा बैटल देखेंगे और हमें एक नॉक जी हाँ यहाँ पे अबू को निकाला जाएगा नॉक और अभी हील करते हुए मेरे ख्याल से इतनी देर में इंडियन टीम चढ़ जाएगी। ओ भाई साहब ले रहे हैं जी नोमी का बहुत जबरदस्त यहाँ पे हेडशॉट फर्स्ट ट्राई, दोनों तरफ से बराबरी का चल रहा है, दोनों टीम यहाँ पे टक्कर का गेम प्ले दिखा रही है। पहला नॉक देख रहे इंडियन टीम दिखा रही है, दूसरी राउंड में देखा है हमने पाकिस्तान की टीम कमबैक कर रही है जी, कमबैक यहाँ पे कर रही है, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया। 3v3 की फाइट है, कुछ भी हो सकता है। नोटा यहाँ पे 11 किल कर चुके हैं बट नोटा की एचपी यहाँ पे कम, जेस भी स्मोक में यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं बट स्मूथ भी यहाँ पे नॉक हो गए और यहाँ पे 137 का स्मोक में मार दिया भाई। क्या चल रहा है, ये लग रहा है मैच बिटवीन हैकर्स चल रहा है, टाइटल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हैकर वर्सेस हैकर, जिसमें आपके बंदे हेड टू हेड मार रहे हैं, हैकर जैसा गेम प्ले कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स, क्या ही है मैच।
इंसिंक ने ट्रिपल किल, बट ये वाले गेम में, ये वाले राउंड में क्या ही जबरदस्त यहाँ पे जी, नोट एक्सेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जरूर लिया था कि ओपन में जाके मैं ट्राई करता हूँ डीगल से क्या नोक निकाल पाऊंगा थोड़ी शॉट के साथ यहाँ पे। ओ नोमी को फिर से, बट सामने भी डीगल, डीगल के बेस्ट प्लेयर है आप, एक तरफ नोट एक्सेंट एक तरफ नोमी, दोनों तरफ से दिल दुख दुख कर रहा है मेरा अभी से, क्योंकि ये मैच कहां पे जाने वाला है। दोनों तरफ से पांच पांच राउंड निकल चुके हैं और दोनों टीमें क्या ही होल्ड कर रही है। हमने अक्सर देखा इन टीमों को सीधा घुस घुस के मारते हुए, पर आज ये टीमें इस मैच के महत्व को समझ रही है। पहला मैच दोनों ही टीमें जीतना चाहती है, तो ये राउंड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। राउंड कौन सी टीम निकालेगी यहाँ पर, दोनों टीमें उसी चीज पर फोकस कर रही है जी, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है भाई। स्मूथ यहाँ पे, हमेशा स्मूथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आज के दिन, कि रश जो कर रहे हैं वो हम लोगों को सबसे आगे दिख रहे हैं आज, किसी राउंड में पीछे बट किसी में वो ठान लेते हैं कि नहीं भाई मेरे को जाना है अब आगे जा रहे, जो भी ओपन में बनेगा भाई। ये मैच कुछ कहता है, ये दिन कुछ कहता है, ये खेल है स्क्वाड का मैच कुछ और है। चप्रो आज धमाल होने वाला है साउथ के अंदर, चलिए एक्शन स्टार्ट हो गया है चप्रो जी, एक्शन यहां पे स्टार्ट हो चुका है। अब जोन में जाना पड़ेगा अब लाज भाई के, प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया पाकिस्तान के प्लेयर को, इन चेन को यहाँ पे नॉक किया, बट क्या होने वाला है, स्मूथ को यहाँ पे देख लेते हैं, स्मूथ ने यहाँ पे हेडशॉट, दो प्लेयर को यहाँ पे हेडशॉट, ओ भाई फिनिश दोनों टीमों के लिए, और ये देखेंगे मुकाबला क्या कहेगा। और यहाँ पे नॉट और ओपन में यहाँ पे जा रहे थे, शॉट्स यहाँ पे लगाए मिस्टर अबू सामने से भी, आई थिंक नॉट एक्सीड होंगे पक्का, ये नॉट एक्सीड का आई थिंक, बट यहाँ पे रश गलत यहाँ पे कर दिया है, उनके प्लेयर को रिवाइव मिल जाएगा, एक प्लेयर ने नोटा ने यहाँ पे रश जरूर किया है और भारी यहाँ पे पड़ा है। बट लेट्स सी क्या फर्स्ट गेम इस सोल पे जाने वाला गाइस, ये क्या मैच है नोशो ब्रो, ऐसे मैच की उम्मीद करते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भिड़ती है भाई, अलग ही लेवल मजा आता है नोशो ब्रो, दिल की धड़कनें नहीं रुकती है कि जीतेगा तो जीतेगा कौन, और यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं पीछे से जी, स्मूथ रे आपने रोक निकाल दिए, बट पीछे से उनको पड़ गई है एचपी यहाँ पे बहुत कम, जेएसबी ने भी एक प्लेयर को रोक किया है, ओ बट ब्लाज भाई यहाँ पे नॉक हो गए, ये अभी को जेएसबी अकेले प्लेयर, और अब गेम यहाँ पे जा चुका है, सिक्स ऑल यहाँ पे स्कोर हो चुका है भाई, एक लास्ट भाई, धक 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 कौन, बिल्कुल यहाँ पे मुकाबला काफी गर्मा गर्मी का, दोनों तरफ से यहाँ पे छोटे छोटे होता हुआ जा रहा है। मेरे ख्याल से दोनों टीमें मिलके पाकिस्तानी सर्वर को ना उड़ा दे, ओके ओके नॉक निकला है भाई, दो प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक कर दिया, आई थिंक फिनिश कर सकते हैं जी, यहाँ पे मैच का चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है भाई, गाइस ओपी ओपी हो जाएगा एक बार चैट में भाई, मतलब क्या बोलूं, जितने भी मैचेस हुए हैं ना इतने इंटेंस मैच, और ये वाला भी एट द लास्ट स्मूथ यहाँ पे एमवीपी, क्या बोले अब क्या होगा नेक्स्ट गेम में, भाई अभी ऑफ गए, बट गाइस फर्स्ट गेम की बात की जाए तो यार वो दोनों के 13 किल्स है भाई, दोनों के ही 13 किल्स है, क्या ही